हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, और आई कैन से वेलकम बैक टू अनदर टेक्निकल टॉक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने ब्रेक सिस्टम है जो बाइसिकल के, उसको आप किस तरीके से सर्विस कर सकते हैं, या फिर जो उसमें ब्रेक पैड रहती हैं उसको किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपकी बाइसिकल में हाइड्रोलिक ब्रेक है या फिर मैकेनिकल ब्रेक है, ऑल्दो ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, उसमें प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहती है, और जो कैलिपर है या फिर जो उसका डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज रह सकता है, बट अंदर से दोनों में पैड्स रहती हैं, तो आप आराम से इसे सर्विस कर पाएंगे एक मल्टीपल टूल के थ्रू। अगर आपको मल्टीपल टूल परचेस करना है तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो नेवरदलेस, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस को। सो गाइस, ये रहा मेरे पास पूरा एक मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें एक चाहिए होगा एक मल्टीपल टूल जिसकी हेल्प से हम इसके ब्रेक कैलिपर है और जो उसके सारे स्क्रू हैं जो माउंटेड हैं उसमें, तो उसको हमें रिमूव करने के लिए इस टूल की हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट स्टेप में हमें माउंट के जो स्क्रू हैं उनको लूज़ करना है, देन सेकेंड में हमें जो ब्रेक लीवर के स्क्रू हैं दो उन्हें लूज़ करना है, देन थर्ड में जो क्लिप लगी हुई है पैड की उन्हें रिमूव करना है। तो उसके बाद हम पैड है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हम उन्हें सर्विस कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट मैं अब इसके जो माउंट के स्क्रू हैं और जो बाकी स्क्रू हैं उनको लूज़ करता हूं। उसमें चाहिए होगी आपको 5 नंबर की एलन की, उसके थ्रू आप इसके सारे स्क्रू को लूज़ करेंगे। सुनाओ गाइस, इसके जो मैंने माउंट के स्क्रू हैं वो मैंने लूज़ कर दिए हैं एज यू कैन सी। सो अब इसके बाद बारी आती है जो हम इसके लीवर के और जो इसके वायर के थ्रू जो हम ये टाइट है उसको हम लूज़ करेंगे, और एक पीछे भी इसमें एक स्क्रू रहता है जिसके थ्रू जो पैड हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, तो इन दोनों को हमें लूज़ करना है। तो अब मैं इसके भी लूज़ करता हूँ फर्स्ट। सो इसमें चाहिए हमें 4 mm की एक एलन की। सो गाइस, ये थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, तो अब मेरे को इसके क्लिप के थ्रू मैं इसको निकालूंगा। सो गाइस, मैंने इनके ब्रेक पैड निकाल दिए हैं। सो एज़ यू कैन सी, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसको क्लीन करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेमिनेट और डर्ट लगी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको क्लीन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्लीन करके। यू कैन सी, मैंने इनको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, और जो इसमें जो पैड रहते हैं वो सिरामिक के होते हैं, तो आपको इनकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसको एटलीस्ट आपको पूरा अच्छे से क्लीन करना है। और उसके साथ साथ गाइस, अब मैं बात करता हूँ आपका जो कैलिपर है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके कैलिपर की। तो अगर आपको इसको क्लीन करना है तो आप यहाँ पे से नॉर्मल से या क्लीन क्लोथ से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वाटर या शैम्पू से आप क्लीन ना करें, क्योंकि रस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे वैसे ही असेंबली कर देंगे इसकी जिस तरीके से पहले से था, फिर उसके बाद मैं इसे माउंट कर दूँगा चेसी में। सो गाइस, मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है एज यू कैन सी, और अब हम इसकी जो भी जितने सारे पार्ट्स हैं उसको हम असेंबली करके इसे माउंट कर देंगे। सो गाइस, जो इसके माउंट वाले स्क्रू थे वो मैंने अच्छे से इसमें फिक्स कर दिया, अब मैं उसे टाइट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके जो ब्रेक पैड और जो डिस्क प्लेट है उसके थ्रू हम उसका जो अलाइनमेंट है उसे हम फिक्स करेंगे। अब मैं बात करता हूँ गाइस, जो कि है इसका ब्रेक की वायर को टाइट कैसे करना है। तो फर्स्ट उसके लिए हमको स्क्रू थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस, हमने जो कैलिपर था और जो ब्रेक पैड था उसको क्लीन करके इसे दोबारा से माउंट कर दिया है चेसी में। तो एज यू कैन सी, ब्रेक इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो गाइस, आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि किस तरीके से आप अपने ब्रेक सिस्टम को सर्विस कर सकते हैं, आइदर इट्स हाइड्रोलिक और मैकेनिकल। प्रोसेस पूरी सेम है गाइस, आप यहां पे आराम से कर सकते हैं, आपको बस एक मल्टीपल टूल की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ गाइस, जो ब्रेक पैड रहती हैं वो आपको कब चेंज करनी है, जो स्क्रीन में आ रहा होगा जो उनकी थिकनेस रहती है वो जब पूरी रिड्यूस हो जाए तब आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद जो आपका डिस्क प्लेट रहती है उसको वो ख़राब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। और उसी के साथ साथ गाइस, आपको ब्रेक सिस्टम की सर्विस जो है वो टाइम टू टाइम करनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर टेरेन कि आप किस टेरेन में आप वो चलाते हैं। जैसे कि आप स्लश एरिया में चला रहे हैं तो उसमें मड है या डस्ट है वो काफ़ी जल्दी आती है, वाटर है काफ़ी जल्दी जले जाता है, तो उसको आप वहाँ पर सर्विस कर सकते हैं।
और अगर आप नॉर्मल सी राइड करते तो कोई बात नहीं, बट उसको एटलीस्ट 3 से 4 महीने में आप एक बार क्लीन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो ब्रेक सिस्टम में एक बाइसिकल का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो फिलहाल तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द कुमाऊनी राइडर व्लॉग। और उसी के साथ साथ गाइस आप आई होप मेरे व्लॉग देख रहे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जाता रहता हूँ। सो फिलहाल तो गाइस बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए टेक्निकल टॉक या व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट।